बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कैलाशाय। ओम नमः भोलेनाथ भोलेनाथ। वादियों में घेरा हुआ था जो कि हट चुकी है और बहुत ही सुंदर अभी बाबा देखते हैं सोने की छवि के हुए हैं। जैसी सूर्य थोड़ा सा ऊपर हो रहा है वैसे ही बाबा सोने की छवि में प्रतीत हो जाएंगे। बाबा की शैया लग गई है, बाबा का सिंहासन लग चुका है, बाबा हमारे बैठ चुके हैं, विराजमान है। बहुत शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्त भी दर्शन कीजिए, बाबा के आशीर्वाद से हमें ये मौका मिला है और आप लोगों के प्यार से ये मौका मिला है। आप सबको इन बाबा के आशीर्वाद से ये मौका मिला है। शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोले जी की। बाबा का रूप खिलता नजर आ रहा है और हम लोगों पर बहुत कृपा है कि आज मौसम इतना साफ मिला है, वरना अभी तक लोगों को ये रूप नहीं मिला है। पिछले कई दिनों में बाबा ने अपने बच्चों को ये रूप दिखाया है और बाबा का ये रूप मैंने कैमरे में कैद कर रहा हूँ। देखते रहिए आप कैसे कैसे बाबा का रूप ये बदलता जा रहा है धीरे धीरे। भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा है हमारे पर। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और ये देखते रहिए। माइनस में टेम्परेचर है फिर भी यहाँ पर इतनी अच्छी धूप का आनंद चल रहा है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग बैठे हैं और बस बाबा का गुणगान चल रहा था और बाबा ने कहा लो बच्चों देखो मेरा ये रूप। बोलो शंकर भगवान की जय। Maybe
सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाला, मेरी गलतियां जितनी भी हैं उन्हें माफ करना मेरे बाबा, आगे मुझसे कोई गलती ना हो मुझे इस दिन मार्ग दिखाना चाहिए। भोले बाबा अपनी कृपा मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, इस संसार पर बनाकर रखना। आपका ये रूप देखने के लिए तरस रहे थे बाबा कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से रात को मौसम था उस हिसाब से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सुबह 4 बजे की जगह बाबा, लेकिन आपने अपने बच्चों को ये रूप दिखा कर धन्य कर दिया मेरे बाबा। आपका बहुत आशीर्वाद है बाबा, बहुत आशीर्वाद है, जितना कहूँ उतना कम, शब्द नहीं मिल रहे हैं बाबा, इस जुबान के लफ्ज नहीं निकल रहे हैं बाबा, बस ओम नमः शिवाय।